हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। फ्रेंड, बात करेंगे हम आज का जो मंत्र होगा, बंध्यापन दूर करने का मंत्र। मैंने बताया था और ये भी हम आपको बताए थे कि बांध स्त्री कैसे हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड कि बांझ पर स्त्रियां जो है, उनके जो बच्चा दानी होते हैं वो छोटा होता है, उनके द्वारा भी वो गर्भधारण नहीं कर सकती है। कभी कभी होते हैं कि स्त्रियों के जो गर्भधारण करने का वो कीटाणु जो होते हैं, शुक्राणु, उसमें वह कमजोर होता है, जिसकी वजह से वह गर्भधारण नहीं कर सकती है। लेकिन चलिए, ये तो बीमारी में आ गया फ्रेंड। लेकिन हम बात कर रहे हैं, यदि कोई स्वस्थ स्त्री है, उसे कोई बीमारी नहीं है फ्रेंड, और फिर भी वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है, और बंधिया है, तो उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जो मंत्र जानते हैं, वह अपने मंत्र के प्रभाव से उनके कोख को ले लेता है, तो फिर वह बांझ हो जाती है। इस स्थिति में यदि कोई मंत्र जानने वाला हो, उनके कोख को पलटाने वाला हो, तो वह फिर मां बन सकती है। तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था पहले फ्रेंड, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कभी कभी होता क्या है कि ऐसा होता है फ्रेंड कभी कभी कि स्त्रियां गर्भ तो धारण कर रही है, लेकिन 4 महीने में, 6 महीने में, कभी कभी 8 महीने हो जाते हैं और वह गर्भ गिर जाता है। कभी 2 महीना, 4 महीना ठहरता है, फिर गिर जाता है। कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड। तो इस स्थिति में हम क्या करें, कैसे उनके गर्भ को स्तंभन करें, रोके हम, जो गर्भ ना गिरे, ठहरे हुए गर्भ को उनको हम कैसे रोकें, ताकि यह मां बन जाए और पुत्र को जन्म दे। 2 महीने में, 4 महीने में गर्भपात हो रहा है फ्रेंड, तो निश्चित आप समझ लीजिए कि यहां भी बहुत बड़ा लोचा है। यहां भी किसी ने उनके गर्भ को गर्भपात करा रहा है मंत्र के द्वारा, या उनके शरीर पर ऐसी क्रियाएं करके रखा है जो यह गर्भधारण ना कर सके, यानी कि ये बच्चे को जन्म ना दे सके। ठीक है फ्रेंड, इसलिए वह 2 महीने में या 4 महीने में ठहरे हुए गर्भ को गिरा देते हैं, ये गिर जाते हैं अपने आप। बहुत ऐसे स्त्रियों का हो रहे हैं फ्रेंड कि 2 महीना ठहरा, गुरुजी रोने लगती है कि गुरुजी क्या करें, कितने मुश्किल से तो गर्भधारण की थी, 4 महीने जाते जाते गर्भ मेरा गिर गया, और एक बार नहीं, तीन तीन बार हो चुका है गुरुजी, अब आप ही कुछ बताइए। तो इस स्थिति में क्या करें, उसका गर्भ धारण किए हुए को अस्तंभन कैसे करें, रोकें कैसे। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं उनके लिए ही आपको मंत्र बताऊंगा कि कैसे गर्भ धारण किया हुआ और गर्भ गिरे ना, 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, पूर्ण अवस्था में हो, तो ना गिरे। उनके लिए मंत्र है,
पेट सरोवर पूरन पात कमल नाल से उपजे उपजे जात उसमें महाब्रह्मा का वास, प्रकृति ब्रह्म जुग करे निवास। थिर 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 रवि थिर नव में ध्रुव थिर, पेट सरोवर रहे गर्व थिर। दुहाय माय कमक्षा की, आंचल गर्व करो, दया करो माई कमक्षा। ओम प्रकृति रूपनी शक्ति स्वरूपनी माँ कमक्षा देवी नमः। ह्रीं क्रीं श्रीं फट स्वाहा। इस प्रकार का ये मंत्र है फ्रेंड। इस मंत्र को आप देखिए, पिछले वीडियो मैंने बताया था, उसमें भी वही है कि 7 बार उसको भस्म को आप अभिमंत्रित करके खिलाइए। और इसमें भी वही नियम है फ्रेंड, आप 7 बार अभिमंत्रित करिए और कंडे जिसको हम लोग बोलते हैं, गाय के जो होते हैं गोबर, ठीक है, होम करने के लिए जो मैं पिछले वीडियो में बताया था वो तो लकड़ी से करना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं, कंडे यानी गाय की गोबर को लाना है और दिन मंगलवार हो या रविवार हो, उसमें आप धूप धूमन जो होते हैं उनको आप डालिए कंडे में और माता कामाख्या को धूप दिखाइए। जलती हुई भस्म को 3 बार गर्भवती के मुख पर छिड़के, वह जो है कंडे में जो जल रहे हैं तो उससे निकाल के थोड़ा थोड़ा उसके शरीर पर छिड़के। और फ्रेंड ऐसा है, दिखावे उसको भी थोड़ा सा छिड़के और दिखावे, थोड़ा सा भस्म जो है उसको बांध दें फ्रेंड उनके आंचल में, और गर्भवती महिला को भी वह दीप दिखावे ऐसे ऐसे करके और उनके ऊपर थोड़ा सा छिड़के, ऐसा नहीं कि वो जले। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, वह जो नहीं टिकता है, जो गर्भ नहीं रुकता है फ्रेंड, उनके लिए यह मंत्र है। मतलब गर्भ नहीं रुकता है उनके लिए यह मंत्र था फ्रेंड। मैंने आपको 2 महीना 4 महीना बता दिया, तो गर्भ स्थिर करने का मंत्र था यह। गर्भ स्थिर करने का मंत्र है कि जैसे गर्भ नहीं रुक रहा है उनके लिए यह मंत्र था। आप इस मंत्र को यूज कीजिए और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे गर्भ कैसे स्तंभन करें, गर्भ कैसे ठहराएं। यानी मैं आपको जो 2-3 वीडियो डालूंगा, ये गर्भ स्तंभन का मंत्र जो है आप विधि के अनुसार उनके साथ करते हैं कटान, तो निश्चित रूप से वह बांझपन दूर होगा। धन्यवाद।